बंगले पर करोड़ों खर्च करने का सवाल या छवि पर असर डालने की कोशिश, आखिर क्या है असली वजह, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम रोज लाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये केवल अरविंद केजरीवाल की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये इसलिए ही इसको इतना लंबा चौड़ा खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री के आवास और कई ऐसे सरकारी भवन हैं जिनके निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। अरविंद केजरीवाल के आवास के पुनर्निर्माण पर, मतलब रिकंस्ट्रक्शन पर, कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ था। इसमें आवास के पर्दे और टाइल्स जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए थे। इसी का आरोप बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है। यह सूचना बाहर आने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अरविंद केजरीवाल पर हावी हो गए हैं और उन्होंने हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल को झूठा कहा है, क्योंकि चुनावी रणभूमि में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने बहुत सारे आम आदमी के उदाहरण दिए थे, लेकिन अब ये 45 करोड़ रुपए अपने बंगले में खर्च करके वो खुद ही फंसते जा रहे हैं और दोनों भाजपा और कांग्रेस पार्टी इसे दिल्ली की जनता के पैसों पर मुख्यमंत्री की राजशाही करार दे रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीति करने पर अरविंद केजरीवाल बेपर्दा हो चुके हैं। उन्होंने अपनी हर एक योजना पर नए तरीके के भ्रष्टाचार को विकसित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल छवि को प्रभावित करने वाली एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगलों पर करोड़ों रुपए खर्च उस समय किया है जब कोरोना के समय लोग इलाज और भूख प्यास से व्याकुल थे। उस समय अरविंद केजरीवाल ने बिहार लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए बस की व्यवस्था तक नहीं की थी। आप लोगों को शायद ये चीज याद होगा। ऐसे कठिन समय में अरविंद केजरीवाल ने जनता की ओर न ध्यान देके अपने बंगले के ऊपर ध्यान दिया और करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। उन्होंने कहा कि यही साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीति का नजरिया आम आदमी वाला नहीं है। वे जनता के पैसे पर एक खास आदमी बनकर जीवन जीना चाहते हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इसी समय राजधानी के रैन बसेरों में इस टाइप की स्थिति है कि वहां गरीबों को रहने के लिए जगह नहीं है, स्वच्छता नहीं है, भोजन और पानी उपलब्ध नहीं है। कई लोगों को तो रैन बसेरा से बाहर भी निकाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने रैन बसेरा से खाद्य सुविधा को वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपने आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बजाय गरीबों के कल्याण के लिए रैन बसेरा में अच्छा भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आगे आते हुए कहा है कि यह केवल अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास है जो बीजेपी ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी समय प्रधानमंत्री आवास और कई ऐसे सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं जिन पर कोई भी बात नहीं होती, इसका कोई भी हिसाब नहीं लेता, लेकिन मुख्यमंत्री के आवास को लेकर खर्च का विवरण मांगा गया जिसे लेकर अब बवाल किया जा रहा है जो कि बहुत पुराना था। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर जितने भी पैसे खर्च हुए हैं वो नियम और सीमा के अंतर्गत जितने भी रकम थी उसके अंदर ही काम हुआ है। भाजपा इसे बहुत ही ज्यादा तूल दे रही है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजनेताओं पर रोज रोज किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रचकर नए नए आरोपों को लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास ये बीजेपी सरकार कर रही है। अपने नेताओं पर चल रहे केस के बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह सभी मामलों में जमीनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है और इन सब का प्रयास केवल अरविंद केजरीवाल की छवि को धूमिल करना है जिससे कि वो भाजपा को चुनौती ना दे सके। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी नहीं रुकेगी और निरंतर ऐसे कार्य करती रहेगी और भाजपा का डटकर मुकाबला करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस विषय में क्या जानकारी रखते हैं और आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बनी थी और जिन्होंने वादा किया था कि मुझे 4 कमरों से ज्यादा घर की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद बंगले में, ठीक है मुख्यमंत्री आवास में रहना जरूरी होता है कारण के लिए, लेकिन फिर भी क्या जनता के पैसे, वो भी कोरोना के टाइम पे करोड़ों रुपए खर्च करना सही था? देखिए, फैक्टर ये है कि अरविंद केजरीवाल को तो एक नॉर्मल छोटा सा घर चाहिए था, ठीक है,
उसके बाद अगर अधिकारी कुछ बोलते भी है कि इतना पैसा है, फंड है, जो भी है, तो वो फंड को दूसरी तरीके से गरीबों को कल्याण के लिए यूज कर सकते थे। और भी ऐसी चीजें हैं कि स्कूल की बात तो होती है दिल्ली के, लेकिन कुछ स्कूलों की बात होती है, अभी भी ऐसे दिल्ली में कई सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे अभी कई सुविधाएं नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जनता के कल्याण के लिए जो उन पैसों से की जा सकती थी। आपने 45 करोड़ रुपए खर्च किए, उसकी जगह आप 20 करोड़ या 10 करोड़ भी खर्च कर सकते थे और बाकी बचे हुए पैसे को गरीब कल्याण के लिए यूज कर सकते थे। मेरा मानना तो यह है, आपका मानना क्या है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रोजाना यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।